कह रहा हूं कि खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। मतलब इस तो वध खुशी ना मैनू मिल सकती सी, ना 12 करोड़ नानक नाम लेवा भगतों नू हो सकती सी। और मैं ऋणी हाँ वजीर आजम इमरान खान साहब का, जिन्होंने 3 महीने पहला ये बीज बोया सी, अज पौधा उगया। जिमें नवा सृजन, नवी उमंग, नवी तरंग दे नाल नवी सवेर उदय हुंदी है, उस तरह पुराने दौर चों 3 महीने पहला मैं आया सा, करदा याद मैं बीतिया दौर आया। सुन लो, करदा याद मैं बीतिया दौर आया, वेखण वास्ते मैं अज दा टौर आया। दिल विच आस उम्मीद, दिल विच आस उम्मीद ते प्यार लैके करन सोहणे भविख दा गौर आया। जानी फुल दे उत्ते बन के भौर आया, जानी फुल दे उत्ते बन के भौर आया, अज एदी जियारत मैं करन खातर सोहणे यारां दे शहर लाहौर आया। मित्र प्यारियो, सोहणे यारां दे शहर अज लाहौर आया। और अपने यार दा शुकराना करदा, जड़ा यार ना देखे ऐबां नू, जड़ा यार ना देखे ऐबां नू, ओ यार मुबारक हुंदा है। जिस प्यार च भोरा गर्ज नहीं, ओ प्यार मुबारक हुंदा है। ओ की लैणा है उच्चे महलां तों, की देणा है शिखर मनारा ने, जिस दर ते झोली भर जाए ओ बाबे दा द्वार मुबारक हुंदा है, ओ द्वार मुबारक हुंदा है। मैं फिर सारे हिंदुस्तान दी गवर्नमेंट, पाकिस्तान दे वजीर आजम, हर उस अफसर दा मैं धन्नवाद करदा। 71 साल दी उड़ीक 71 साल दी वेट अज इस लांघे दे रूप दे विच असंख्य संभावनावां, किन्नियां ही संभावनावां लै के आई है। और उस संभावनावां सारियां अमन अमान दे नाल भरियां होईयां ने, पीस प्रोस्पैरिटी दे नाल भरियां होईयां ने, बार्डर खुलण दी आस दे नाल भरियां होईयां ने। ये बाबे दी मेहर है कि दो देशां दी ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਉਹ ਢੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਰਾਸ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ, ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਵੈਲਕਮ ਕੀਆ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਂ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਨਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਉਨਕੇ ਦੋ ਵਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਨਾ ਥਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਆਜ ਵੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਗਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਵੋ ਆਪ ਕੋ ਰੋਕਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਥੇ, ਤੋ ਯੇ ਜੋ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਜੋ ਕੁਵਤ ਹੈ ਵੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲ। ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਉਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਚਾਹਤਾ, मैं एक पॉजिटिव बात करना चाहता हूं, और वो ये बात है कि धर्म को राजनीति के चश्मे से मत देखो, धर्म को राजनीति और आतंकवाद के चश्मे से मत देखो। इस दुनिया में कौन सा ऐसा जनक और पिता है जिसके दर पे उसके भक्तों को माथा टेकने से रोका जाए? है कोई? दुनिया में कोई ऐसा वो नहीं है बाबे का दर जहां आप किसी भक्त को जाने से, किस शास्त्र में लिखा है? तो मुझे लगता है कि जोड़ने वाले को मान मिलता है और तोड़ने वाले को अपमान मिलता है। 71 साल से जो उम्मीद थी, आज जब दोनों तरफ से वो उम्मीद पूर्ण होने जा रही है, तो फिर आप रंग में भंग क्यों डाल रहे हैं भाई? कोई भी हो, नहीं आपको नहीं मैं कह रहा, कोई भी हो, तीसरी जो भी हो, मतलब भाई उसमें किसी को ये अख्तियार नहीं है कि 12 करोड़, और फिर जो लोग क्रेडिट की खोज में है उनको डिसक्रेडिट मिल रहा है। अच्छा चले, ये बता दें। अच्छा सिद्धू पाजी ये बताएगा कि पाकिस्तान एक मिनट यार, समर दूजे नु करन दे, एक मिनट यार। अच्छा सिद्धू पाजी ये बताएगा कि आप पाकिस्तान और क्रिकेट टीमों के जो मैच हैं दोनों के, वो भी होने चाहिए, इस हवाले से भारतीय कौम जो है वो क्या चाहती है, आप ये भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं आपको 90% लोगों की बात बता रहा हूं, मैच शुरू होने चाहिए। कोई भी कलाकार जो है, चाहे वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, चाहे वो कपिल देव साहब हैं, गावस्कर साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, वसीम अकरम हैं, वो जोड़ने वाला है भाई, वो फासले मिटाने वाला है, पुल बनाने वाला है, नफ़रत मिटाने वाला है, और दोनों तरफ उसकी इज्जत है। तो अगर आपको उसको ज़रिया बनाना है तो बहुत बड़ी बात है। मैं बड़े ग़ुलाम अली साहब के संगीत को सुनता हूँ, नुसरत साहब के संगीत को सुनता हूँ, इमरान खान साहब का मैं बचपन से फ़ैन हूँ, कोई रोक सकता है? और बड़े लोग हैं यहाँ पर जो शाहरुख खान साहब, सलमान खान साहब के फैन, कलाकार जोड़ते हैं, उनका हुनर, उनका फन जो है वो जोड़ता है मेरे भाई। सिद्धू जी ये बताइएगा, लास्ट टाइम भी आप पाकिस्तान आए हलफ बर्दारी पे वज़ीर आज़म की,
काफी मीडिया का सामना करना पड़ा आपको, भारत के मीडिया आपके रोज घरों पे भी पहुंच गए और वहां पे बातें भी हुई। एक तरफ पाकिस्तान का मीडिया है जो आपके लिए आज सुबह से यहां पर खड़ा है और आपके इंतजार किया जा रहा है, और एक आपके ही मुल्क का भारत का मीडिया है जो कि इस कोशिश को जो है वो खत्म करना चाह रहा है। थोड़ा सा बता दें इस बारे में, बता दें। पहले तो देखो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि जिन्होंने क्रिटिसिज्म किया, देखिए आज वही रंग लेके आया है ना, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि दोस्त अहबाब ने हर सलूक, दोस्त अहबाब ने हर सलूक मेरी उम्मीद के खिलाफ किया, अब मैं इंतकाम लेता हूँ, जाओ भैया तुम्हें माफ किया। सब ये बताइए पाकिस्तान और आपका और आपका, आप जिन्होंने मुझे